गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कोरिएंडर लीव्स धनिया के पत्ते को आप कैसे ज़्यादा दिनों के लिए फ्रेश रख सकते हैं, या जब आप लाते हैं बाज़ार से तो उससे बहुत जल्दी 2 से 3 दिन के बाद वो ख़राब होने लगते हैं उसके पत्ते, तो आप उसे ज़्यादा दिनों के लिए कैसे स्टोर कर सकते हैं और फ्रेश रहे आपकी पत्तियाँ एकदम जैसे आप मार्केट से ख़रीद के लाते हैं फ्रेश हरा भरा वैसे। सो वीडियो में मूव ऑन करने से पहले बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ। कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया के पत्ते ले चुकी हूँ, या बहुत ही फ्रेश और ग्रीन है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इसे हर सब्जियों में अपनी डालती हूँ। तो आप इसे कैसे स्टोर कर सकते हैं मैं इसे दिखाती हूँ। पहले आप इसे रूट से अलग कर ले, क्योंकि इसमें पत्तियां अलग डंडी के साथ नहीं होती, इसीलिए आप इसे रूट कट कर ले। सो आप देख सकते हैं मैंने इसे रूट को अलग कर देते, सेपरेट कर देना है। इसे सेपरेट करने के बाद एक न्यूज़पेपर ले ले, या एक क्लीन न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं आप। बस इसे आप धोना नहीं है वरना इसमें नमी रह जाती है। आप इसे ऐसे ही स्टोर करें। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है, न्यूज़पेपर में रैप कर दिया है। ओके, आप इसे 10 से 15 दिन का आराम से रेफ्रिजरेटर फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं। जब ज़रूरत पड़े आप इसे निकालें और वॉश करने के बाद यूज़ कर ले। मैंने कोरिएंडर लीव यानी धनिया के पत्ते को कैसे स्टोर किया है, इसे आप 10 से 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। मैंने जिस तरीके से बताया आप उस तरीके से अगर स्टोर करेंगे आप इसे रेफ्रिजरेटर में, न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर में, तो ये 10 से 15 दिन या 20 दिन भी आपकी ये फ्रेश रहेंगे हरे भरे। मैं खुद ही ऐसे ही अपने कड़ी पत्ते और धनिया पत्ते और मैं पुदीने के पत्तों को ऐसे ही स्टोर करती हूँ। सो यही था मेरा वीडियो, अगर अच्छी लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दिए, और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करना मुझे ना भूलें। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो पर आपको मिल जाएंगी। सो मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।